नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग्रो मिस्र। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो ट्विटर होते हैं हमारे उनके बारे में बताऊंगा। वैसे तो काफ़ी टाइप के ट्विटर होते हैं, तो ये हमारा बुलेट ट्विटर है, और जो ये वाला ट्विटर है हमारा डोम ट्विटर है, और जो हमारा तीसरे वाला ट्विटर होता है ये हमारा पीजीओ ट्विटर है। ठीक है, तो इनके बारे में ही आज सारी वीडियो होगी। वैसे तो काफ़ी सारे टाइप के ट्विटर होते हैं, बट मैं इनके बारे में ही बताऊंगा जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं जिन ट्विटर्स को। तो अब मेन बात यही आती है कि जो पीजीओ ट्विटर है हमारा, ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, किस हिसाब से होती है। देखो मैं सबसे पहले आपको टेक्निकली नहीं समझाऊँगा, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली समझाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर जो आपको टेक्निकली समझना है तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मैं टेक्निकली समझाने के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम पीजीओ के बारे में देखते हैं कि पीजीओ काम मतलब क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, फिर मैं आपको एंड में बताऊँगा कि जो हमारे ट्विटर हैं इनमें से कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो पहले हम पीजीओ को देखते हैं कि पीजीओ क्या चीज़ किस हिसाब से होती है, और इसको मैं तोड़ के दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को। तो दोस्तों स्पेशली ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न है मेरे भाइयों के मन में, क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई बुलेट ट्विटर है तो भाई बहुत तगड़ी चीज़ है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बुलेट ट्विटर हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ SPL ज़्यादा हो, जैसे आपको लाउड सिस्टम चाहिए थोड़ा, तो वहाँ पे हम बुलेट ट्विटर को यूज़ करते हैं। उसका भी एक रीज़न होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट ये नहीं कि आप नॉर्मल सेटअप है आपका और आप सोच रहे हो कि भाई मैं बुलेट ट्विटर लगा लूँ, भाई ये या तो आप बिना मतलब कि अपनी ही बातों में बहक रहे हो या फिर आपको कोई बहका रहा है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसको पीजीओ ट्विटर को खोल के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ये हमारा पीजीओ ट्विटर है, ठीक है, और ये इसके ऊपर इसकी कोन है। अभी मैं इस कोन को उतार के दिखा देता हूँ, ये अभी ये उतर गई इसकी कोन, और ये चीज़ है मेन इसकी, ये काम करता है, ये हमारी हाई फ्रिक्वेंसी निकालता है। ये आपने काफ़ी सारी चीज़ों में देखी होगी ये चीज़, ये तो अभी स्क्वायर में है, हाँ, और हमने इसको राउंड में देखा होगा, जो देखा होगा ना इसको राउंड में देखा होगा हमने, गोल गोल होती है हमारी जो अलार्म वाली घड़ी होती थी उसके अंदर भी देखा होगा आपने, काफ़ी जगह देखा होगा। तो अब मैं बात करता हूँ डोम ट्विटर की, डोम ट्विटर क्या होता है। देखो दोस्तों गालियाँ मत देना, पहले ही बता रहा हूँ ये ख़राब चीज़ें हैं, इसलिए तोड़ के दिखा रहा हूँ। कभी आप फिर गालियाँ देने लग जाओ कि दे देते ये कर लेते वो कर लेते, तो ये ख़राब है इसलिए मैं आपको फाड़ के दिखा रहा हूँ। ये देखो आपको उभरा हुआ सा नज़र आ रहा है बोल की तरह, इसका भी एक काम होता है। ये क्या काम करता है, ये फ्रिक्वेंसी को फैलाता है, आपस में टकराने नहीं देता फ्रिक्वेंसी को। और जो डोम ट्विटर होता है, डोम ट्विटर हमारा स्पीकर की तरह ही काम करता है, ये स्पीकर की तरह होता है। इसके अंदर भी मैग्नेट होती है, वॉइस कॉइल होती है, और जो ऊपर इसका उभरा हुआ पार्ट आप देख रहे थे इसका, ये इसकी कोन है। ठीक है, अभी मैं इसको फाड़ के दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसकी वॉइस कॉइल आप लोगों को दिखा दूंगा कि जो वॉइस कॉइल है उसकी, ये सिर्फ स्पीकर की तरह ही काम करता है। बस फ़र्क इतना होता है स्पीकर में, इसमें ये हमारे हाई नोट्स पकड़ता है और स्पीकर हमारे ज़्यादातर सारे पकड़ लेता है। तो ये इसकी वॉइस कॉल इसी हिसाब से इसकी है जो सिर्फ हाई नोट्स पकड़ती है। और ये पीजीओ से अच्छा ट्विटर होता है क्योंकि पीजीओ सिर्फ हाई नोट्स बहुत से जो हद से ज़्यादा वो होते हैं उनको ही पकड़ पाता है, ये हमारे पीछे के जो नीचे के नोट्स भी हैं वो भी पकड़ लेता है आराम से। ठीक है, तो अब ये जो है इसके अंदर नियो मैग्नेट है, ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा बुलेट ट्विटर, और ये चीज़ आपको लगभग अभी तक समझ में आ ही गई होगी। अगर जो ना भी समझ में आए तो प्लीज़ यार कमेंट में मेरे को बता देना, मैं दोबारा इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो अभी ये पीजीओ है हमारा, और वो आपका अभी मैंने आपको डोम दिखाई दिया था कि डोम कैसे काम करता है और पीजीओ कैसे काम करता है। अब इनको मैं साइड में रखता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बुलेट ट्विटर की, बुलेट ट्विटर हमारा जो है वो कैसे काम करता है। तो जो बुलेट ट्विटर होते हैं, अब बुलेट ट्विटर की बात करते हैं, बुलेट ट्विटर हमारे सेम डोम ट्विटर की तरह ही काम करते हैं, बस फ़र्क इतना हो जाता है कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और इसका एक फ़ायदा बुलेट ट्विटर का और भी होता है, जो इसके अंदर बुलेट लगी हुई है इसका भी एक अपना काम होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब क्या हुआ, ये आपको बुलेट दिख रही है, ये इसको बुलेट बोलते हैं हम, ठीक है। और जो ये साइड में आपको हॉर्न की तरह मतलब लाउड स्पीकर की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसका काम अलग होता है, ठीक है। अब जो
ये इसका ऊपर का हिस्सा है जो लाउड स्पीकर की तरह है, ये क्या काम करता है, ये थोड़ी सी मतलब थोड़ी पावर में भी ज़्यादा आवाज़ निकाल के आप लोगों तक पहुंचा सकता है। इसका काम सिर्फ इतना है, ठीक है, लेकिन डोम में ऐसा नहीं होगा। तो अब इसका काम ये तो आप समझ गए कि हाँ भाई जो लाउड स्पीकर की तरह हमें दिखाई दे रहा है ये क्या काम करता है, ये थोड़ी सी आवाज़ को फैला देता है, ज़्यादा कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं बुलेट की, बुलेट क्या काम करती है हमारा। तो बुलेट का काम सिर्फ इतना होता है कि जैसे अभी मैंने आपको पीछे डोम ट्विटर दिखाया था, उसकी कोन दिखाई थी मैंने आपको, वो ऊपर से गोल है, एक बॉल की तरह आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या है, देखो अब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आपने स्पीकर की कोन देखी होगी, स्पीकर की कोन उसके बिल्कुल अपोजिट होती है, वो अंदर की तरफ होती है, और लेकिन जो डोम ट्विटर की कोन है वो आपकी बाहर की तरफ है, ये चीज़ देखी होगी आप लोगों ने, मतलब ऊपर ऊपर की तरफ है। अब जो ऊपर की तरफ कोन है उसकी, तो उसका एक फ़ायदा ये है कि जो फ्रिक्वेंसियाँ उसके अंदर से निकली है ना, मतलब जितनी पतली फ्रिक्वेंसी होती जाएगी ना, उनके कटने के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब उनके गायब होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जब तक हमारे कानों के सामने है ना, तब तक ही हम उसको क्लियर सुन सकते हैं। और कुछ तो ऐसी होती हैं जो हमारे कानों तक आने से पहले ही कट जाती हैं आपस में मिलके, तो वही काम ये यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको वही चीज़ समझा रहा था कि बुलेट जो है ना, बुलेट, ये बुलेट आपको दिखाई दे रही है, ये बुलेट यही काम करती है, जो फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं ना हमारी, उनको कटने नहीं देती, उनको ये बुलेट फैला देती है आपस में, इधर उधर फैला देती है, तो जिससे वो फ्रिक्वेंसी आपस में मिल के ख़त्म नहीं होती। सिर्फ इतना काम होता है इसका बुलेट ट्विटर का। और जो ये हॉर्न की तरह शेप होती है, इससे हमारे ट्विटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे ये कम पावर पे भी ज़्यादा लाउड बजता है, ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं कि इन तीनों में से अच्छा कौन सा है, ठीक है। इन तीनों में से देखो भाई, मैं नॉर्मली बताऊँगा कि जिनका SPL ज़्यादा है तब तो हम यूज़ करते हैं अपने बुलेट ट्विटर को, ये चीज़ ध्यान रखना। और जिनका SPL कम है, जो नॉर्मल सेटअप है हमारे हल्के फुल्के, जो 1000-1200 तक हैं, ठीक है, 1000 तक 800 तक जो हैं, तो भाई वो डोम ट्विटर ही यूज़ करें, आपको मैं सही बोलता हूँ। अगर जो आपका हाँ उससे ज़्यादा का है तो आप बुलेट की तरफ जा सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई बुलेट बड़े ही आते हैं, छोटे भी आते हैं यार, और बड़े भी आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बड़े भी आते हैं, बट ये कि बुलेट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमें लाउड सिस्टम चाहिए होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, हमें बुलेट को वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ सिस्टम हमारे लाउड होते हैं। अगर जो आप सोच रहे हो कि हाँ भाई एक सब वूफर लगा के और मैं बुलेट ट्विटर लगा लेता हूँ, तो भाई मूर्खता है सबसे बड़ी, क्योंकि डोम ट्विटर भी सेम काम करता है और बुलेट भी, बस बुलेट का फ़र्क ये हो जाता है कि भाई ये थोड़ा सा लाउड चलने लगता है डोम ट्विटर की बजाय। लेकिन अगर जो आपको अच्छा सिस्टम चाहिए तो भाई आप फिर बुलेट की तरफ ही जाओ। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, और जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।